स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस दौरान रायसेन नगरी क्षेत्र में निवासरत आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि पट्टों का भी वितरण किया। उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर में 200 से अधिक आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि पट्टा वितरण के लिए चिन्हित किया है, जिनमें से 43 परिवारों को आवासीय भूमि पट्टा दिया गया है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का भी शुभारंभ हो रहा है। रायसेन नगर में पहले से ही दीनदयाल रसोई संचालित की जा रही थी। तीसरे चरण में मंडीदीप और बेगमगंज में दीनदयाल रसोई का शुभारंभ किया गया है। अब दीनदयाल रसोई योजना के तहत 10 रुपये के स्थान पर 5 रुपये में भोजन की थाली गरीबों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। पाँच रुपए में थाली गरीबों के लिए अब भोजन उपलब्ध होगा। इस तृतीय चरण में मुख्यमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश में शुभारंभ किया। साथ में जो नगर में मध्य प्रदेश के नगरों में रहने वाले नागरिक जिनके पास रहने के लिए ना तो कोई